नाजरीन, मेरे चैनल वंदे मातरम में आपका स्वागत है। और आज जो है मैंने ये क्रिस्पी एकदम गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, तो आप भी अगर इसे बनाना चाहते हैं तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये मैंने कैसे रेडी किया है। आलू का पराठा बनाने के लिए उसका पहले अंदर भरावन हम बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 3 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं, और इनको अच्छे से हम इस तरह से हम इन्हें फोड़ लेते हैं। तो इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने बारीक काट ली थी वो डाल दी है, और 3 हरी मिर्च जो है उन्हें काट के उन्हें डाल देंगे, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, कुछ बेसिक मसाले हैं वो डाल देते हैं, जिसमें है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च का भी हमने यूज़ किया है तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप जो है अपनी लाल मिर्च डालें, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे, जीरा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 छोटी कटोरी हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। सारे के सारे स्पाइसेस इसमें मिल जाने चाहिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा मसाला तो बन करके रेडी हो गया। अब इसका हम फटाफट से जो है इसका आटा गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा लिया है, और इसमें जो है मैं नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। आप अगर आटा कोई सा भी लगा रहे हैं तो उसमें ऑयल ज़रूर डालें, क्योंकि इससे क्या है रोटी हो या पराठा हो, इससे बहुत अच्छा जो है वो बन के रेडी होती है रोटी और पराठे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसे मैं इस तरह से मसल लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे सॉफ्ट आटा जो है वो गूंथ लेंगे। तो ये देखिए मेरा आटा जो है वो गूंथ के अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, ताकि इसके ऊपर जो पपड़ी सी पड़ जाती है ना, वो पपड़ी बिल्कुल भी नहीं इस पर आएगी। तो बस मेरा आटा भी रेडी है और मसाला भी रेडी है, तो आइए हम बनाते हैं आलू के पराठे। तो इसके लिए मैंने इतना आटा लिया है, और इसे अच्छी तरह से हम इसे हल्का सा पहले से हम बेल लेते हैं। इसके आसपास की जो साइड है उसकी तरफ से हम इसे बेलेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। ये देखिए साइड से बिल्कुल पतली है और बीच से इधर से जो है वो थोड़ा सा मोटा है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर जो है अच्छे से जो है आलू का जो भरता बनाया था उसको हम इसमें फिल करके और इसे अच्छी तरह से इसे सील कर देंगे इस तरीके से, और इसे वापस हम पूरी तरह से इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपना पराठा जो है वो बेल लिया है, और तवा मेरा गरम हो गया है, इसे अब तवे पे डालते हैं। इसे हम पलट लेंगे, अच्छे से हम इस पर तेल लगा लेंगे, और तेल लगाकर इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, और आगे पीछे इस पर तेल लगाते हुए इसे अच्छे से इसे क्रिस्पी सेक लेंगे। और ये देखिए बनकर रेडी हो गया मेरा आलू का पराठा। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह मेरी और भी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।